क्या बच्चों, शुक्रवार आज मैं वर्ग शिष्य में प्रश्न नंबर है 7, आठवां पाठ का प्रश्न 7 है। सही विकल्प यानी हम जो सब दिया गया है इसका सही अर्थ क्या होगा। बुक में खाना का 3 अर्थ लिखा हुआ है सामने, उसमें चुनना है इसका सही विकल्प क्या होगा। पाठ में लिखा हुआ है, प्रश्न में आपको बता देते हैं, भोजनम फलम और निष्ठानम। इसके सामने लिखा हुआ है भोजनम फलम और निष्ठानम, तीनों में से खाना का क्या होगा विकल्प। तो खाना का होगा भोजनम, फलम और निष्ठानम नहीं होगा। फलम तो फल और निष्ठानम लिखा ही हो जाएगा। अब है जलम, जलम का लिखा हुआ है किताब में जलम जले जले न, दिया गया है जलम जलम, जल का होता है जलम, जले और जले न नहीं होता है। जले मतलब जल में और जले न मतलब जल का। इसी तरह है खेत में, खेत में का दिया है क्षेत्राणी क्षेत्रेशु और क्षेत्रम, क्षेत्राणी क्षेत्रेशु और क्षेत्रम, यहाँ होगा क्षेत्राणी क्षेत्रे और क्षेत्रेशु और क्षेत्रम, खेत में यानी क्षेत्रम, इसका हो जाएगा क्षेत्रेशु, खेत में यानी क्षेत्रेशु, खेत में। ठीक है, सूर्य सूर्य का होगा सूर्य, इसलिए सूर्य सूखता है इसका हो जाएगा सुष्यति, सुष्यति मैंने सूखता है। यहाँ ये प्रश्न 8 है, प्रश्न 8 है वर्ण विच्छेद का, वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद है प्रश्न 8 है वर्ण विच्छेद। पहला है मेघ, इसका होगा म दो की जो धन धन अच्छी जो ध म दो ए म धन ए धन ख जो पवन पवन हो जाएगा कन अन उसके बाद है जना, व में है जना होगा ज धन अ धन न धन आ जना। इसके बाद है घ, घ है जीवनम जीवनम, इसका हो जाएगा ज धन ई जोड़ व धन न धन अ धन म, जीवनम न जोड़ अ जोड़ म। यहाँ देखिए जना ज धन अ धन न धन आ, जीवनम ज धन ई धन व धन अ धन न धन अ धन पवन प जोड़ अन अन देवरा प्रश्न 7 और 8 कंप्लीट हो गया। इसमें और इस पाठ में पाठ समाप्त हो गया, इसके बाद इसमें प्रश्न नहीं रह जाता है।
और लास्ट प्रश्न है आपको, लास्ट चैप्टर है नौवां, खेल क्षेत्र। नौवां जो है वह है खेल क्षेत्र यानी खेल का मैदान। तो हम अगली वीडियो में खेल क्षेत्र नौ पार्ट की ओर ले चलेंगे। आज आप लोग इसको याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। फिर अगली वीडियो में हम मिलेंगे।